हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो NDA 2 लास्ट 3 मंथ प्रिपरेशन प्लान फॉर्म फिलिंग और आपने जो जो डाउट्स भेजे हैं उनको लेके है। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था मैंने एक सेशन आपके साथ शेयर किया था कि फॉर्म फिलिंग करते समय क्या क्या याद रखना है, फिर भी आप में से कुछ बच्चों के अभी भी डाउट्स हैं जो आपने डाउट्स भेजे हैं, एक तो वो मैं पहले क्लियर करूंगा और लास्ट 3 मंथ्स में किस तरह से पढ़ें वो बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर इंग्लिश में लेके प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश किस तरह से पढ़ें वो एक आपका डाउट है, SSB हिंदी या इंग्लिश में होता है ये डाउट है, GS के लिए क्या करें, मैथ्स के लिए क्या करें। अब इन सब बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट सेशन भी जब लिया था तो एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, और वो बात थी कि एज लिमिट क्या है। तो NDA की अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मैंने बहुत क्लियर बोला था कि जिन बच्चों का बर्थ 2nd Jan 2001 से 1st Jan 2004 के बीच में हुआ है या इन डेट पे हुआ है वही एप्लीकेबल है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा कि सर मेरा बर्थ है 1st Jan 2000, किसी ने बोला 5 Jan 2005। मैंने आपको एक बात बहुत क्लियर बताई कि इसके पहले या इसके बाद में कंसीडर नहीं होगा। इन जनरल अगर हम देखें तो 69.5 से 99.5 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल होते हैं, बट डिपेंड ऑन कि आप कब पैदा हुए। अगर आप मान लीजिए जैन की जगह दिसंबर में हुए, मान लीजिए किसी का बर्थ है 3rd December 2000, क्या एलिजिबल है? ऑब्वियसली नॉट, इसके पहले नॉट। तो आप पहले समझिए। और दूसरी बात, मैंने फॉर्म बोला था फिलिंग करने से पहले बहुत अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रीड करिए, एक एक चीज को समझिए, अंडरलाइन करिए, उसके बाद फिल करिए। फिर भी कुछ बच्चों ने फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम करी है। आप में से जिन्होंने, क्योंकि ये भी मेरे पास क्वेश्चन आए कि आप में से किसी ने ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया, किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दी, ऐसी अलग अलग डाउट। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल ना जाऊं, पहले बता दूं कि वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ ये है। सर मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आप सारी चीजों को भूल जाइए, केवल जो 10th की ऑफिशियल मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है केवल वही कंसीडर की जाएगी एंड नो अदर। ये बात पहले दिमाग में बिठा लें। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें 5th Jan 2001 है, पर 10th की मार्कशीट में 28 दिसंबर 2000 है, क्या मैं एलिजिबल हूं? मैंने कहा नहीं हूं। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर रखिए कि 10th की मार्कशीट के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ ये जो सेशन ले रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी 3 महीने में किस ढंग से आप पढ़ें कि इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर पाएं, GS में कर पाएं, मैथ्स में कर पाएं, क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करना है वो सारी बताता हूं। पर फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड बात, कुछ बच्चों ने ईमेल एड्रेस में मिस्टेक कर दी, जबकि ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे का करस्पॉन्डेंस आपका ईमेल से होता है। एक चीज, किसी बच्चे ने डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दी, एड्रेस गलत फिल कर दिया, अगर आप में से कोई ने भी किसी भी तरह की एंट्री गलत फिल करी है तो अब आप क्या करें। अब आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, मेरी बात भी हुई, कि क्या हम दोबारा फॉर्म भर दें? बिल्कुल भर सकते हैं, बट उसके पहले फर्स्ट जो आपने फॉर्म फिल किया उसे कैंसिल करवाना, उसका भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर दिया है कि आप पहले फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपने फिल किया उसको कैंसिल कराएं और फिर से आप भर सकते हैं। अगेन मैं भी जो बोल रहा हूं उसके बाद भी मैं बोलूंगा कि आप पहले पूरी इंफॉर्मेशन खुद पढ़िए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे जब तक ऐसी मिस्टेक्स होती रहेंगी। मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूं, बता सकता हूं, उसके बाद भी मैं हमेशा बोलता हूं, और वो भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा ऑफिशियल साइट से जाके ही फिल करिए, UPSC की ऑफिशियल साइट पे जाके ही, upsconline.com पे जाके ही भरिए, पूरी इंफॉर्मेशन देखिए। तो एक चीज ये, फिर दूसरी बात है लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 3rd September। तो अगर आप में से बाय चांस किसी ने कोई मिस्टेक करी है तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप उस पुरानी जो आपने फॉर्म फिल किया उसको कैंसिल करके एक नया फ्रेश फॉर्म भर दें, कैंसिल करना जरूरी होगा, और 3 सितंबर के पहले फिल कर दें। आज है 16th August, मैंने आपके साथ एक 15th August का बच्चों का जो NDA के क्लासरूम वाले बच्चे उनके साथ एक सेशन शेयर किया था, वो जरूर सुनिएगा, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
अगर आप एनडीए को लेकर सीरियसली सोचते हैं तो आपके थॉट, आपके विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, ये बात दिमाग में रखिए। और आप सभी ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोलूंगा जो जुड़े हैं, अभी भी जुड़ते जा रहे हैं, अब जब से नोटिफिकेशन आया जब से तो बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो आपको, आपने भी जो जो डाउट पूछे थे बता दूं। दूसरी चीज, ऑनलाइन वाले बच्चों को एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप में से कुछ लोगों ने बोला है कि लास्ट टाइम में हम लोग आपके यहाँ टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, हम लोग 15 अक्टूबर से लेके एक 15 नवंबर तक की टेस्ट सीरीज रखेंगे, जिसमें मैथ्स के फुल लेंथ पेपर होंगे 10 मॉक और जीएटी के भी 10 मॉक्स होंगे, जो ऑनलाइन वालों को भी मिलेंगे। पर आप में से कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर अगर हम वो भोपाल आके देना चाहें तो दे सकते हैं कि नहीं लास्ट मंथ में, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आप ये भोपाल में आके लास्ट मंथ में यहां पर टेस्ट सीरीज सारे बच्चों के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एग्जामिनेशन सेंटर भोपाल ही लीजिएगा, उसी, क्योंकि आप अगर भोपाल आते हैं तो फिर आप पेपर देके ही जाएंगे, 70 नंबर को उसके पहले नहीं जाने दूंगा। लास्ट टाइम में इधर से उधर जाना ठीक नहीं होता कि आपने सोचा 12 नवंबर तक यहां रुक जाएंगे फिर चले जाएंगे, ऐसा मैं सजेशन नहीं देता। इनकेस भर ही दिया है तो बात अलग है, पर फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर लास्ट मंथ में, वैसे आप नहीं भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप ऑनलाइन जुड़े हैं तो ये पेपर आपको वैसे भी मिलने वाले, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ पेपर्स, अच्छा आप में से कुछ लोगों ने, ऑनलाइन वाले बच्चों ने बोला था कि कुछ पेपर्स के मैं एनालिसिस आपके साथ अभी शेयर करूंगा, अब रेगुलर वीकली एक सेशन भी मैं आपके साथ लेना चालू करूंगा, जिससे आप डायरेक्टली कनेक्ट तो हैं पर सामने एक और नए सेशंस के साथ भी कनेक्ट बने रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा था। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि एक बात कि डेट ऑफ बर्थ केवल ये इनके बीच में होना चाहिए। कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि सर एनडीए 1 के लिए क्या होगी 2020 की डेट, एक सीधा फॉर्मूला याद रखिए, इसमें 6 मंथ ऐड कर लीजिए, तो बिल्कुल सीधा सीधा 6 ऐड कर लीजिए, खत्म बात, 6-6 महीने बढ़ती जाती है इन्हीं डेट के साथ। अब ये जुलाई हो जाएगा, यानी 2 जुलाई से 1 जुलाई यहां पर 2001 ही रहेगा, पर यहां पर ये, यहां पर ये 2001 रहेगा, यहां पर भी 2004 रहेगा, ऐसे 6-6 महीने आप बढ़ा सकते हैं, सीधा लॉजिक होता है उनका हर एग्जाम में, फिर भी जब नोटिफिकेशन आता है तो हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में आपने फॉर्म तो भर दिया है, पर अब लास्ट 3 मंथ्स में ऐसा क्या करें कि हम अपना NDA-2 अच्छी रैंक के साथ, अच्छे नंबर के साथ क्लियर कर सकें। दूसरी बात वो बताने से पहले बोल दूं कि आप में से बहुत बच्चों ने पूछा है कि SSB हिंदी में होता है क्या, मैं बता दूं आपको SSB हिंदी में नहीं होता है, और यही SSB इंग्लिश में ही होता है, कभी कभी कुछ बच्चे थोड़े बहुत हिंदी यूज कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, पर ये चांसेस की बात है, पर 90% चांसेस हैं, इनफैक्ट 95% चांसेस है कि थ्रू आउट इंग्लिश में ही SSB होगा। अब किस्मत की बात है कि हो सकता है आप जिस SSB सेंटर पर गए हैं और जिस बैच में, हो सकता है वहां पर थोड़ी बहुत हिंदी किसी बच्चे ने यूज कर ली है, उन्होंने कर ली हो, ये चांस की बात है, पर इस बात को लेके आप अपने आप को बिल्कुल ना सोचें, ये पहले बात क्लियर रखें। इनफैक्ट इंग्लिश का NDA में या CDS में इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी है क्योंकि आप सीधे ऑफिसर रैंक पर जाते हैं और आपको पूरी अलग अलग जगह के आए हुए बच्चों को टेकल करना होता है, अपनी सेना को, अपनी फौज को, इसलिए इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज होती है, इसलिए जरूरी होता है। इसके अलावा आप समझिए थोड़ा सा एक बात बेसिक कि मैथ्स 300 नंबर के बाद अगर कोई दूसरा नंबर ज़्यादा है जिसके, तो वो इंग्लिश का पेपर ही वो इसलिए अलग से लेते हैं कि अगर किसी बच्चे का बेसिक, देखिए बहुत अच्छी इंग्लिश की होती है, कॉमन सेंस होना चाहिए, एक बेसिक कम्युनिकेशंस लैंग्वेज होना चाहिए, आप इंग्लिश में अपनी बात कम्युनिकेट कर सके, रीडिंग अच्छी हो आपकी, लिसनिंग अच्छी हो, इतना भी अगर आपके लिए तो बहुत काफी है। तो अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसलिए मैं सेशन ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने पूछा था क्या करना चाहिए। तो 2nd नंबर पर आता है इंग्लिश, 3rd नंबर पर आता है GS जो कि लगभग 200 का होता है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, 3rd नंबर पर आती है फिजिक्स, 4th नंबर पर केमिस्ट्री और बायो। अगर हम लगभग बात करें ये 200 से कम, ये 100 के आसपास और ये 50-50 मान लीजिए आप, इस तरह से ये 600 और ये 300। अभी मैं जो ये सेशन ले रहा हूं आपके साथ या जो इस साल बच्चों को बोला है मैंने या जो ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि नॉर्मली जो आप ऑनलाइन कोर्स से अगर पढ़ रहे हैं या, तो आप मान के चलिए कि आप आराम से 80+ तक राइट कर सकते हैं, बस शर्त है आपके अप्रोच में कुछ चेंजेस आने पड़ेंगे। आप 60+ राइट करें, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं। 90 आपने अटेम्प्ट किए, सपोज 50 राइट है, 40 रॉन्ग है, हो सकता है आपका रिजेक्शन हो जाए क्योंकि 40 रॉन्ग से आपका नेट स्कोर कम हो गया। आपने 90 की जगह आपने सीधे 50 ही अटेम्प्ट किए होते तो मैं बोलता 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे।
यानी, और याद रखिए जब आप 90 अटेम्प्ट करेंगे तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मोर अटेम्प्ट लेस एक्यूरेसी, लेस अटेम्प्ट मोर एक्यूरेसी। तो मैं ये नहीं कहता कि 80 के ऊपर करना है, मैं बोलता हूं, पर आप 80 भी नहीं लो, आप तो ये दिमाग में रखो कि हमें अकॉर्डिंग टू पेपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए फर्स्ट स्टेप में कि 50-60 राइट पे फोकस करें, फिर दो चार गलत हो जाए चलेगा, पर अगर आपने 90 अटेम्प्ट करके 40 गलत कर दिए उसका कोई वैल्यू नहीं। वही चीज इंग्लिश और मैथ्स बाकी सब सब्जेक्ट में भी होती है। तो अब कैसे हम 50-60 राइट करें? नंबर वन जो वर्क करना चाहिए वो है लास्ट 10 ईयर के जो पेपर्स हैं उनको बहुत ही माइनर तरीके से देखना है। वो कोर्स में मैंने इंक्लूड किया, वो ध्यान रखिए, उनके क्वेश्चंस को समझना। जो सिंपल क्वेश्चन होता है अधिकतर वो गलत होता है। याद रखिए खाली रोड पे एक्सीडेंट के चांस ज्यादा होते हैं, भीड़ वाली रोड पे नहीं होते, क्योंकि हम केयरफुल होते हैं, गाड़ी स्लो होती है हमारी। तो सबसे इजी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांस होते हैं, पहले वो देखिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे। मैं आपके साथ वो शेयर भी करूंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनमें मिस्टेक हो सकती है, जिनकी मिस्टेक को आपको बाहर निकलना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, किस टॉपिक पे ज्यादा वर्क करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस पे सबसे ज्यादा वर्क होना चाहिए, क्योंकि लगभग यही 50 क्वेश्चन होता है। इसके अलावा पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, अगर आपने इतना भी कर लिया अच्छे से तो आप 60 के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर इतना भी कर लिया, बट करना पूरा है, इट डजंट मीन, क्योंकि हम अपने आप को अगर कंप्लीट करके जाएंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल जोन में होंगे। एक चीज याद रखिए, 2D अच्छे से करना है, 3D अच्छे से करना है, हर टॉपिक का बेस अच्छे से करना है। आप लोग पूछते हैं कि इस समय, क्योंकि देखिए अब लास्ट 3 मंथ्स हैं, 1 ईयर वाले बच्चों को जो मैं बात बोलता हूं या 2 ईयर वालों को वो, और आप 3 मंथ्स वाले बच्चों को बोलना चाहूं, कई बच्चों ने ये भी बोला सर ये लास्ट अटेम्प्ट है क्या करना चाहिए ऐसा। ये सेशन इसलिए ले रहा हूं कि लास्ट अटेम्प्ट जरूर होगा पर आप इस अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट होगे। ऐसा पिछले बार भी कई सारे बच्चों का जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उन्होंने रिटर्न क्लियर किया है। तो अब क्या करें? तो पहले एक बात याद रखिएगा कि NCERT की बुक आपके लिए सबसे यूजफुल बुक है। तो लास्ट 3 मंथ्स में अगर कुछ करें तो 11th और 12th की NCERT की बुक, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर, अगर आप ये पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं तो मास में इजीली आप 60-80 की रेंज बना सकते हैं, याद रखिएगा ये। पर क्वेश्चन की टेक्निक्स होना चाहिए, सॉल्विंग टेक्निक्स बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि पहले कंसेप्ट बिल्ड करिए। तो आप सभी जो अभी ऑनलाइन से भी जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं बोलूंगा बहुत ही बेसिक से बने हुए वीडियो, बहुत ही माइनर तरीके से उसको ऑब्जर्व करिए, आपके पास अपने आप टेक्निक्स आ जाएंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये चीज दिमाग में रख के पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 3 मंथ्स है अभी क्लासरूम, आप ऑनलाइन वाले बच्चों ने आपने ये भी पूछा था क्लासरूम में अभी क्या क्या हो रहा है। क्लासरूम में कैलकुलस में से डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो गया है, कमिंग वीक में डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और इस तरह से पूरा कैलकुलस खत्म। मैंने ये टारगेट लिया कि नेक्स्ट 2 मंथ में मैं पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, और बल्कि 1.5 मंथ में हो जाएगा, उसके बाद 15 डेज जो जो टॉपिक हो चुके हैं उनका एक क्विक रिवीजन भी होने वाला है। तो 2 मंथ में पूरा सिलेबस होगा, लास्ट मंथ तो प्रैक्टिस, पेपर्स, स्पीड, एक्यूरेसी, इन पे वर्क करना है। तो 2 मंथ में आप भी ट्राई करिए कि जो टॉपिक हो चुके हैं उसके अलावा ये करिए, और अगर ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़िए, फिर PNC पढ़िए, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़िए, फिर उसके बाद एलजेब्रा के छोटे छोटे सारे टॉपिक्स करते चलिए। भले ही 4 टॉपिक कम हो चलेगा, पर जो भी करें वो अच्छे से करें और लास्ट 10 ईयर के पेपर साथ में जरूर सॉल्व करें, हर टॉपिक को खत्म करके ये एक काम करना है। तो पॉजिटिव माइंड से पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी सब चिंता छोड़ दें, सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करना छोड़ के आप सोचिए कि आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, एक्यूरेसी के लिए पढ़ना है, अपने आप को हर दिन इंप्रूव करना है, हर दिन अपने आप को कल से ज़्यादा बेहतर करना है, डिसिप्लिन होकर पढ़ना है। आज अगर 4 घंटे पढ़ते हैं तो कल 5 और अगले दिन 6 घंटे, ऐसी आदत, ऐसे पॉजिटिव माइंड से पढ़ेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए क्या करें। जिनका मीडियम इंग्लिश है उन्हें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, पर जिनका मीडियम हिंदी है या जिन्होंने 10th के बाद इंग्लिश लिया है या जिनकी इस इंग्लिश मीडियम में होते हुए भी इंग्लिश में बहुत अच्छे से एजुकेशन नहीं हुई, उन सबको एक बात बोल दूं मैं कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। अगर आप ये एक्शन लेंगे तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में, ये सबसे बेसिक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसके लिए एक काम ये करना है कि सबसे पहले जो लास्ट 10 ईयर के पेपर्स हैं उनको बहुत ही माइनर तरीके से देखना है क्या पूछा है, अब उसके अकॉर्डिंग ग्रामर के क्वेश्चन कैसे हैं, पैसेज कैसे आए हैं,
फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, वो सब चीजें आप जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे क्या पढ़ना। दूसरी चीज, इंग्लिश के लिए इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग स्किल्स बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, न्यूज़पेपर इंग्लिश का ही पढ़िए, दो एडवांटेज होंगे, एक तो करेंट अफेयर्स आपका क्लियर होगा जो जीएस में काम आएगा, साथ में इंग्लिश भी पढ़ेंगे। पर इंग्लिश पढ़ते समय आप ध्यान रखिए कि बोलते हुए पढ़ें, तेज बोलिए आपके कानों को भी सुनाई दे, बार बार सुनाई दे। रीडिंग आप जितनी तेज करेंगे आपका उतना स्किल डेवलप होगा, कहीं ना कहीं आप पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, सुन आप ही रहे। एक बात, टीवी पर इंग्लिश आपको जो न्यूज़ मिलती है वो सुनिए, और जो वो बोलते हैं या जो वो बोलते हैं उनको वापस रिपीट करने की कोशिश करिए। जब बार बार ये करेंगे तो कई सारे ग्रामर्स के वर्ड समझ में आएंगे कि कहाँ पर क्या यूज़ होता है, वो चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। दूसरा, 8th, 9th, 10th की NCERT की जो इंग्लिश की बुक है उनको देखिए, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ग्रामर वाले पूछे जाते हैं। यानी अगर आप बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ेंगे, जिनका इंग्लिश वीक है उनके लिए, जिनका अच्छा उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि NDA में इंग्लिश टफ नहीं आता, आप इजीली 100 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं, 50% टारगेट लेना है। तो ये आदत बनानी है कि रीडिंग न्यूज़पेपर विथ हाई स्पीड साउंड, जितना तेज बोलेंगे उतना सुनाई देगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है इससे। ये आदत रखिए, कुछ नहीं समझ में आए तो भी पढ़ते जाइए, रोज 2-1 घंटे कम से कम इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए, तेज स्पीड में, आधे घंटे सुनने की आदत डालिए, और वो जो सुन रहे हैं उसको बोलना भी है साथ में। तो एक तो आपका इससे दो फायदे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, आप बोलना सीखेंगे धीरे धीरे, जब आप सुनते जाएंगे तो बोलने लगेंगे। जैसे हम हिंदी क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि हमने बचपन में सुनी है, कई सारी बिना ग्रामर के भी हम हिंदी सही बोलते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं वही बोल सकते हैं। इसलिए रीडिंग करते समय भी सुनाना है दिमाग को, और सुनते समय तो सुनना ही है पर साथ में बोलना है। जब सुन रहे हो तो भी बोलते हुए चलना, उससे कंसंट्रेशन भी बनेगा और आपके बोलने की हैबिट डेवलप होगी, वो चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। किससे बात करें इंग्लिश में, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, खुद से बात करें, थॉट भी इंग्लिश में हो और बोलना भी इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तो मुश्किल आएगी, ये बात दिमाग में रख के चलिए। तो इंग्लिश में ही बोलिए, इंग्लिश में ही पढ़िए, और अपने आप से बात करिए, खुद से। सबसे अच्छा अगर आपका कोई दोस्त इंग्लिश में बन सकता तो वो खुद आप होंगे। क्वेश्चंस को बहुत ही बारीक से देखिए, 10 साल के पेपर्स को अगर आपने डीपली स्टडी कर ली तो आप इंग्लिश में स्कोर कर लेंगे। अब बात आती है जीएस की, जीएस में पॉलिटी हुई, हिस्ट्री हुई, हिस्ट्री के लिए आप 6th क्लास की NCERT की बुक्स लेके चालू करें, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक भी जाएं तो चलेगा, इकोनॉमिक्स के लिए भी, यानी 6th से 10th तक की NCERT की, और पुरानी NCERT मिल जाए तो और अच्छा है, वो ले लीजिए, पॉलिटी भी उसी से पढ़िए। यानी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स आपका न्यूज़पेपर इंग्लिश से पढ़ के हो रहा है, बाकी के आप इधर से करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं फिर बोलूंगा, उसमें भी आप 7th, 8th की साइंस की बुक ले लें, कई बार वहां से क्वेश्चन आते हैं। 11th, 12th की फिजिक्स नहीं पढ़नी है हाई लेवल पे, आप IIT का एग्जाम दे रहे हैं तो NDA के साथ उसको क्लब मत करिए, IIT अलग पैटर्न पे, IIT के लिए 11th, 12th का पूरा फिजिक्स पढ़ना होता है, NDA के लिए बहुत ही बेसिक 11th की फिजिक्स लगती है, केमिस्ट्री 10th तक की लगती है, बायो 9th तक की लगती है, बल्कि 10th तक की, वो भी NCERT की बुक से करिए। और पेपर्स को बहुत माइनर तरीके से देखते हुए पढ़िए, अच्छा स्कोर आएगा, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। 3 मंथ्स आज भी हमारे पास है, इसलिए मैंने सेशन लिया, आप सब लोग चाह रहे थे, और अब हर हफ्ते आपको कुछ सेशन मिलते रहेंगे। 3 मंथ्स मींस 90 डेज, अच्छा टाइम है, अभी भी आप 0 पे, जो लोग NDA दे रहे हैं वो 0 पे नहीं हो सकते, मैं श्योर हूँ, अभी भी आप कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। आप में से कई लोगों ने अभी तक नहीं करी प्रिपरेशन स्टार्ट, तो भी आज से करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको उसके रिजल्ट दिख जाएंगे। सब बातें भूल के जो मैंने बोला है वो करो, जरूरी नहीं कि आप 100% सिलेबस करो, आप 70% करो सिलेबस, 60% करो, पर जितना परसेंट करो उतने सिलेबस को 100% करो। GAT में 300 के आसपास स्कोर करना और मैथ्स में 150 के आसपास स्कोर करना 100% सेफ जोन होता है, आप वो कोशिश करिए। यानी आप 50% में भी आप कंफर्ट जोन में, बट अटेम्प्ट राइट करिए, मॉक पेपर दीजिए, अभी जो मैं मॉक पेपर्स दूंगा उनको बहुत ही सीरियस होकर दीजिए, 2.5-2.5 घंटे के टेस्टिंग अपने आप से लगाइए। कई बार हम 2-2.5 घंटे लगातार बैठते नहीं, ये भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बैठना है, पढ़ना है क्वेश्चंस को, इंग्लिश की रीडिंग की आदत बनाइए। एक तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मत घबराइए, पढ़िए। अभी भी कोई डाउट्स हो आपको मुझको बिल्कुल भेजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।